मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 2 नवंबर को हरियाणा के करनाल जिले में पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री करनाल में आयोजित होने वाले अत्योदय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें आयुष्मान भारत पेंशन स्कीम व अन्य सुविधाओं से जुड़े लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर का समय मांगा गया था लेकिन उस दिन का समय नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री शुक्रवार एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों सम्मान समारोह उपरांत मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तत्परता से काम कर रहा है, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करना पाप है, ऐसा करके हम समाज के साथ भूमिका नहीं निभाते बल्कि अन्याय करते हैं। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो इसी तरह अपना काम करता रहेगा। हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं 2 तारीख को करनाल में और एक अंत्योदय सम्मेलन हम करेंगे ताकि समाज के जो हरियाणा प्रदेश के द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत के हैं, चाहे वो पेंशन के हैं, चाहे वो अन्य प्रकार की जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे सब बेनिफिशरीज का एक बड़ा सम्मेलन और वो करनाल में किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।